Welcome back. I hope now I am visible also and audible. Please let me know. Okay, there are some issues with the net today. I'm experiencing some problems. So it is visible, right? Visible now? Okay, so let's get started. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है. हमें चाहिए एक बॉटल. एक बॉटल ली हमने और हमने लिया है चॉक पाउडर. चॉक पाउडर क्या होता है? चॉक पाउडर क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ चॉक जो चॉक पेंट क्या होता है? चॉक पेंट इज चॉक पाउडर, एक्रेलिक एंड फेविकॉल. अगर आपको सही से देखना हो देन यू कैन चेक इट ऑन माय फेसबुक पेज एज वेल और यू कैन चेक इट ऑन माय यूट्यूब. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको डैब करेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, आज नेट में मॉर्निंग से प्रॉब्लम आ रही है. आई डोंट नो व्हाई, मेरे लैपटॉप पे वर्क कर रहा है बट फोन पर नहीं कर रहा है. ओके, तो इसको हमने अच्छे से डैब करना है. एंड व्हाई आई एम यूजिंग स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज से कोई भी इस पे स्ट्रोक्स नहीं आते हैं और काम बहुत जल्दी भी हो जाता है. So I take more of my white chalk paint or you can call it gesso as well. And ये जो सारी चीजें हैं ये मेरी सारी homemade होती हैं. Junk to beauty is all about creating beauty out of junk. तो मैं जितना minimum तरीके से minimum expenditure से हम काम कर सके तो वही मेरा motto है. और बिल्कुल भी रिसाइकलिंग होनी चाहिए. तो ये वाली बॉटल जो है ये बहुत इजीली अवेलेबल है. ये वाले क्राफ्ट के लिए आपको इसी बॉटल की जरूरत है विद नैरो नेक. ठीक है गाइस, प्लीज डू शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. दिस विल मोटिवेट मी. And you can check many more ideas on my Facebook page as well. I keep on uploading. Okay, तो ये first coat हो गया है. First coat को अब हम dry कर लेंगे. अगर आपके पास time हो तो आप इसको आराम से आप इसको time दीजिए ताकि ये dry हो जाए अच्छे से, air dry ही हो जाए. लेकिन अभी मुझे आप लोगों को दिखाना है तो इसीलिए मैं इसको फटाफट ड्राई कर रही हूँ. और ये इतने सुंदर प्लांटर्स बनते हैं. और अपने हाथ के बनाए हुए तो हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, तो अब मैं एक बार और सेकंड कोट करूंगी. मैंने कुछ आपके लिए सब कुछ आपके सामने ही कर रही हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि कैसे होगा पता नहीं है. बस यहाँ पर जो हम पेंट कर रहे हैं, जो हम बेस दे रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए. इट इज जस्ट यू नो, पेंटिंग इज ऑल्सो लाइक मेकअप और मेकअप इज ऑल्सो लाइक पेंटिंग. जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कुछ भी कर लीजिए वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो वी नीड अ स्मूथ बेस टू वर्क ऑन. तो ये अभी मैं जो कर रही हूं मैं इसके ऊपर सेकेंड बेस ऑफ सेकेंड कोट ऑफ व्हाइट चॉक पेंट कर रही हूं. और ये जो चॉक पेंट है ये भी कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया हुआ है. यू कैन चेक इधर ऑन माई यूट्यूब और यू कैन चेक ऑन माई फेसबुक पेज. ओके, लाइक दिस. और आप देख रहे हो इसको थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि
कहीं कहीं पे ये वाइट है, कहीं कहीं से अभी भी नीचे से दिख रहा है। तो मेरे को बिल्कुल ऐसा चाहिए कि वाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए नीचे से। और जब आप स्पॉन्ज से करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर देता है, ग्रेनी टेक्सचर, वो भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, सो इट इज डन। मैं इसको फटाफट से क्विक ड्राई कर लेती हूँ। और ये जो बेस है ये आप हर बॉटल के लिए बनाएंगे, जितनी भी बॉटल्स आप कोई भी बॉटल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बेस अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका जो कलर है वो पील ऑफ नहीं होगा, तो ये अच्छा सा सुंदर सा बेस बन जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डन, सूख गया है। ओके, सो नाउ इट इज ड्राई। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को चाहिए एक पेंसिल, एक पेंसिल चाहिए मेरे को। और मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर लिया है मैंने इसको। इट्स नॉट ड्राई येट, अगर ये ड्राई नहीं होगा तो देखो ये नीचे से पील हो जाएगा। वो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से कर लूंगी मैं इसको। तो इस तरीके से किया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ इस तरीके की, जहां पर ये नेक खत्म हो रही है। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। ओके फाइन, तो इस तरीके से मैंने बनाया। देन एक सेंटर लाइन लिया। शशि जी, यू हैव जस्ट जॉइंड विद व्हाट यू हैव यूज्ड वाइल एक्रेलिक और समथिंग विच। ओके, आई हैव, दिस इज माय चॉक पेंट, दिस इज माय व्हाइट चॉक पेंट, व्हाइट चॉक पेंट। फॉर चॉक पेंट आई हैव यूज्ड chalk powder, acrylic and fevicol. So you need to make it a paste kind of and keep it runny, and then you can you can apply two coats on it on any bottle so that it can be it gives a very nice texture to your bottle and it will stick. Okay, thank you Shashi ji, it's visible and audible. Okay, so abhi yahan par ek line new dali center mein aur इसको थोड़ा सा यूं लेकर गई मैं और यहाँ पर यूं लेकर गई। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आया, इतना करना है आपको। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। जो हमने ये जो सेंटर लाइन ली थी उसके इधर यूं और इधर एक लाइन डाली। ठीक है, देन एक यूं और यूं, और इसको मैं नीचे ले जाऊंगी इस तरीके से यहां तक। यहां तक समझ आ गया आपको? यू आर वेलकम शशि जी, यहां तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है दोनों को इक्वल लेकर जाना है और इसको हमने यूं कर दिया। ठीक है, डन। चलो मैं आपकी तरफ से ही बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप है यहां पर और यहां पर एक वी बनाया। ठीक है, इस तरीके से फाइन। देन व्हाट, एक और वी
उसी को डबल किया है वी को मैंने, फाइन। और यहाँ पर मैंने टू लाइंस डाली यहाँ पर, परफेक्ट। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम तो आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बिल्कुल साथ साथ में ही आपको उसी वक्त बताती चली जाऊंगी, ठीक है। नाउ व्हाट, ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन थी उसी से हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे। ये मेरी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ये वाली यहाँ पर आ रही है। मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो मेरी सेंटर लाइन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है इस तरीके से। ये वाली नहीं है मेरी सेंटर लाइन, ठीक है। ये सारे, ये वाली लाइन, ये वाला V और ये वाली लाइन, ये सब हमारी एक लाइन में आएगी, ठीक है। देन व्हाट, यहाँ पर छोटा सा ये बनाया। यहां तक अगर आपको समझ आ गया, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। और जानिया जी, पेंसिल लाइंस आर नॉट विजिबल, ओके। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अ कलर एंड देन आई कैन शो यू, फाइन। Give me a minute. What I'll do? I'll take black color and then I'll show you. Although I don't want to use this because I need to color, but it is okay. क्या करना है? एक लाइन लेनी है यहाँ पर, और मैंने आपको बोला एक आपको नेक लाइन बनानी है, ये वाली। यहां तक समझ आया? ओके, थैंक्स नेहा। एंड देन दिस, आई होप इट इज विजिबल नाउ। एंड लाइक दिस, ओके। देन अ लाइन हियर एंड लाइन हियर, जो सेंटर लाइन थी उस लाइन से इक्वली हमने दो लाइन्स बनाई हैं इक्वल डिस्टेंस पे। फिर एक यूं बनाया और एक यूं बनाया, ठीक है। देन इस लाइन को मैं नीचे ले जाऊंगी इस तरीके से। थैंक यू प्रीति जी। और गाइस, इफ यू आर एंजॉयिंग इट प्लीज डू शेयर द वीडियो। इस तरीके से यहां तक सबको समझ आ गया है, ठीक है। और इधर से इसको और इसको मैंने कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था, ये वाली जो लाइन है इसी लाइन के यहां से मुझे एक वी बनाना है इस तरीके से। मैंने यू बनाया, फाइन। देन यू यहां टू लाइंस बनानी है। मैं उल्टा कर रही हूँ तो मे बी थोड़ा सा लाइंस में प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो सरिता जी, आप मेरे को कहीं पर भी आप मेरे को मिल जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हियर ऑन दिस पेज, ओके, ठीक है। ये बेसिक, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को बनानी है यहाँ पर इस तरीके से ये, यूं, और
ये क्या बन गई मेरी टाई बन गई, ठीक है। अब इसको मैंने यूं रख दिया। अब मैं निकालूंगी अपना ग्रे कलर का चॉक पेंट। मैं बहुत सारे, क्योंकि ये दो कलर ऐसे होते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो मैं इनको बहुत ज्यादा बनाकर रख लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने निकाला मेरा ग्रे कलर, दिस इज माई ग्रे चॉक पेंट, होम मेड चॉक पेंट, ठीक है। यहां पर मैं पेंसिल ले रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर माई ओन थिंग, कि मेरे को पता हो कि मुझे कहां तक पे क्या करना है, ठीक है। यहां तक हो गया। नाउ आई टेक अ ब्रश, मैं यहां पर बड़ा ब्रश ले रही हूं और मैं इसको कलर करूंगी। मैं आपके पहले यहां से आपको दिखाती हूँ जो मैंने लाइंस बनाई हैं उनके अंदर अंदर मैं कलर कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने क्ले वर्क स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ बेस बना रही हूँ, हमको इसके ऊपर क्ले वर्क भी करना है। ग्रे कलर कहाँ कहाँ करना है, इधर इधर बाहर बाहर, आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा चॉक पेंट है ये मेरे एक्रेलिक से थोड़े थिक होते हैं। ये थिक इसलिए होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर फिलर डाल देते हैं, और वो फिलर क्या होता है, फिलर इज आर चॉक पाउडर। जब फेविकॉल एंड चॉक पाउडर जो है, चॉक पाउडर, अगर आपके पास चॉक पाउडर नहीं है देन व्हाट यू कैन यूज योर टैल्कम पाउडर। मैंने आपको बोला ना, क्राफ्ट शुड नॉट वेट फॉर थिंग्स। हमको इतनी सारी चीजें हमारे पास घर पर अवेलेबल होती हैं कि हम उनसे कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक चीज होती है, मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ कि बेस बहुत अच्छे से बनाना होता है। बेस इसलिए अच्छे से बनाना होता है कि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तो पेंटिंग में मजा नहीं आएगा, पूरी बॉटल में मजा नहीं आएगा। और अभी देखो, अभी मैं ब्रश से कर रही हूँ तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि मेरा स्पॉन्ज से जो मैंने इसको अच्छा सा लुक दिया हुआ है ग्रेनी, तो वो इफेक्ट मेरा आ ही रहा है। ओके, अब क्या है, ये पूरा का पूरा जो है मेरा ग्रे अगर हो गया तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वेयर इज माई ट्राउजर एंड वेयर इज माई कोट। दो व्हाट आई डू, आई टेक लिटिल बिट ऑफ व्हाइट कलर एज वेल। व्हाइट कलर लिया मैंने एंड विदाउट वॉशिंग माई ब्रश आई टेक इट, और इसके ऊपर मैं जहां जहां तक मैंने ऐसे किया था आई डू इट लाइक दिस। उससे क्या होगा कि हल्का सा कलर डिफरेंस आ जाएगा और मेरे को पता रहेगा कि कहां पर क्या काम करना है, ठीक है, इस तरीके से। Can you see? मैंने क्या किया है, मैंने पहले ग्रे कलर लिया है, ग्रे चॉक पेंट जो लिया है मैंने, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लिया है। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा ऊपर और नीचे में थोड़ा सा मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि वेयर इज माय कोट एंड वेयर आर द पैंट्स, ठीक है। और जो नीचे कर रहे हैं, नीचे वाला हम पूरा डार्क वाला करेंगे। इधर अभी मैं कर देती हूँ, मैं इसीलिए अभी मैं नहीं करना चाह रही थी मैं ब्लैक पेंट से, क्योंकि मेरे को इसको पूरे को अभी पेंट करना है। लाइक दिस, ओके। सो द
base is ready. ये यूं हो गया, थोड़ा सा मैं व्हाइट कलर इधर ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर सकती हूँ. वैसे कोट पैंट एक ही कलर के होते हैं, बट यू नो थोड़ा सा तो हम क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हैं, राइट. तो इसको मैंने इस तरीके से किया और इधर से भी थोड़ा सा किया. आई होप यू गाइस हैव शेयर्ड दिस वीडियो. And please do check my YouTube channel and my Facebook page. बहुत सारी वहाँ पर और bottles हैं. आज क्योंकि मेरे पास time कम है, 1 hour, तो उसमें मैं क्या सिखा सकती हूँ जो कि जल्दी बन जाए, तो इसीलिए मैं आज ये लेकर आई हूँ. Okay, ठीक है, इस तरीके से हो गया. और पीछे भी मैं इसको, अब देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं कर रही, बस उसी को मैंने कर दिया. तो अभी मेरे पास क्या हो गए, 2 शेड आ गए मेरे पास. अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे बन क्या रहा है. दिस इज द कोट, दीज आर द ट्राउजर्स. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए स्किन कलर. स्किन कलर कैसे बनता है, आई शो यू. पहले इसको ड्राई कर ले फटाफट. थोड़ा सा इसको फटाफट फटाफट करना पड़ेगा. हाय कीर्ति, प्लीज डू शेयर द वीडियो. लाइक दिस. ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट डन. लेट मी चेक कहीं नहीं हुआ, अभी भी हाथ पे लग रहा है. फटाफट फटाफट हमने ड्राई कर लिया. ओके, नाउ व्हाट, नाउ आई नीड बर्न सियाना. हमारे पास बर्न सियाना है ये वाला, और साथ में चाहिए हमको व्हाइट कलर. मैंने ऑरेंज कलर के साथ भी ट्राई किया था, बट वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा कि जब हम ऑरेंज कलर एंड उसको मिलाते हैं व्हाइट कलर को, तो वो वाला स्किन टोन मेरे को इतना पसंद नहीं आया. तो इसीलिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड बर्न सियाना. बहुत थोड़ा सा बर्न सियाना, बिल्कुल जरा सा इन व्हाइट, और ये वाला कलर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज मोर ऑफ आर एशियन कलर. और इसको मैं इसकी नेक के ऊपर जितनी जगह है, मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी. ओके, बहुत अच्छे से. अगर ये भी अगर आपको डार्क लग रहा है, जैसे मुझे ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो व्हाट आई डू, यहाँ पे मेरे पास वाइट है, मैं थोड़ा सा और वाइट मिला लूंगी. और इसके अंदर बहुत कम बर्न सियाना डला है, बहुत कम, और उसी से ये बहुत ही सुंदर सा क्रीम कलर आ गया है. और ये चॉक पेंट इतने थिक होते हैं कि देखो अभी ये फ्लिप किया मेरा यहाँ पर, और तब भी कुछ नहीं हुआ इसको. एंड इट इज डन. ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी क्या चाहिए, आई नीड अ कैप. किसी भी चीज की कैप ले सकते हैं, किसी भी बॉटल की कैप ले सकते हैं आप. जो वो क्या होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, जो डिओज होते हैं, आप उनका कैप ले सकते हैं.
और क्या चाहिए? और हमको चाहिए कोई भी कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में क्या, इसमें से मैंने अभी कल ही कुछ काम निकाला था। दिस इज माय केलॉग्स का छोटा वाला, जो केलॉग्स का पतला कार्डबोर्ड है, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी, ठीक है। और इसका मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया कि इसमें कितनी इसकी कितनी सर्कमफ्रेंस है, और फिर उसके आस पास मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करूंगी। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना लिया। अब एक सीजर्स ली और इसको मैं कट करूंगी, ठीक है, लाइक दिस। इट इज गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी, जस्ट वेट एंड वॉच। और जो ये सेंटर वाला है, मुझे इसको भी कट करना है, तो ये ऐसे नहीं अगर कट होगा तो आई टेक अ नाइफ, वैसे हो गया कट, और इसके अंदर के सर्कल को भी मैं कट कर लूंगी, ठीक है, लाइक दिस। अब मेरे पास एक सर्कल आ गया है, दिस इज अ रिंग, और इसको मैं इसके अंदर इस तरीके से डालूंगी। यहां तक आ गया समझ, ठीक है, बिल्कुल एजेस पर उसको मैं ले आई। अब क्या करना है मुझे, दिस इज पेपर टेप। पेपर टेप लेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेंगे पेपर ट्रिप्स पेपर की, और इधर से इसको लगाया अंदर, और मैंने आपको बोला बिल्कुल एज पर रखना है इसको, और इसको यूं कर दिया, ठीक है। ये आपको इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रिप लेना पड़ेगा, बिकॉज ये सर्कल है, तो सर्कल में लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो अच्छे से। पहले मैं फोर साइड्स ऐसे लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको पूरा कवर करूंगी, ठीक है, लाइक दिस। इसको काम करने में थोड़ा पेशेंस चाहिए, और पेशेंस के बिना तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता, राइट। And I really enjoyed making this. आप लोगों को दिखाने से पहले मैंने कल अपने लिए पहले खुद बनाया कि मैं इसको simplest way में किस तरीके से बता सकती हूँ, how to make it. So I'll show you many more projects I'm working on. Some are on order, some are for myself. Okay. अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब मैं इस साइड से लूंगी, अगेन छोटा छोटा स्ट्रिप लेना है, और हाफ कैप पर लगाना है और हाफ पेपर पर लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। हाफ ऑन द कैप, बॉटल कैप, और हाफ नीचे। इससे क्या होगा, ये बहुत स्टर्डी हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और खराब नहीं होगा, लाइक दिस। एंड गाइस, आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे कि मैं हमेशा, अगर आप लोग पहले भी अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, तो आई ऑलवेज यूज न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर का क्या होता है, जंक टू ब्यूटी वेस्ट कर देता है न्यूज़पेपर? नॉट एट ऑल। ये जो न्यूज़पेपर है, आफ्टर एवरी वीडियो ये न्यूज़पेपर जाता है एक बकेट के अंदर, और उस बकेट में मैंने पानी डाल रखा है, और ये सोक होता है न्यूज़पेपर फॉर 2-3 डेज, और उसके बाद बनती है पेपर क्ले।
मैं क्ले भी बाहर से नहीं लेती हूँ, आई मेक माई ओन क्ले एंड आई लव वर्किंग विद माई होममेड क्ले. बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही स्टर्डी है, उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, राइट? तो ये हो गया है ऑलमोस्ट डन. ओके, ये हो गया. अब क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इसके ऊपर कुछ पेस्ट नहीं होगा, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके ऊपर भी पेपर टेप लगा दूंगी. मैं इसीलिए मैं आप लोगों को लॉजिक भी बता रही हूँ कि व्हाई आई एम डूइंग इट. दीप्ति जी, यस आई विल सेव इट, यू कैन वॉच इट ऑन माई पे ऑन माई पेज एज वेल, और यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकती हैं बाद में भी. ठीक है, यहां तक हो गया. थैंक यू एडमिन. यस, इट विल बी सेव्ड हियर. सो नाउ द लॉजिक आपको पता चल गया है कि मैं पेपर टेप क्यों लगा रही हूँ. पेपर टेप लगाना इसलिए इजी है क्यों, और इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर कुछ नहीं चिपकेगा. सो इसीलिए मेरे को लगाना जरूरी है पेपर टेप. अब मैं क्या करूंगी, अब आती है मेरी क्ले की बारी. ये मेरी होममेड क्ले, दिस इज पेपर क्ले. किस तरीके से बनी है, इसके अंदर मैंने यूज किया है चॉक पाउडर, इसके अंदर मैंने यूज किया है यही न्यूज़पेपर पल्प एंड फेविकॉल. अगर आपको देखना है मैंने किस तरीके से बनाया है, देन यू कैन चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो ऑल द लिंक्स आर गिवन हियर, यू कैन चेक इट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फेविकॉल लेंगे और इसको हम इसके ऊपर पहले हम पूरे पे फेविकॉल लगा देंगे. You're welcome, दीप्ति. Okay. इस तरीके से किया और अब जो ये क्ले है इसको मुझे इसके ऊपर पूरा इसको शेप देना है. Okay. इस तरीके से मैं क्ले लेती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूं मैं एक ही बारी में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसको बल्की नहीं करना है, मुझे इसको हल्का हल्का बस जो बेसिक शेप है उस बेसिक शेप को ही बस मेरे को ऊपर क्ले लगाना है. मैं बेसिक शेप के ऊपर मैं ऐसे भी कलर कर देती, बट जो क्ले लगने के बाद गेटअप आएगी वो एक अलग आती है. ठीक है, और क्योंकि मेरे हाथ पे फेविकॉल लगा हुआ है तो ये अपने आप अब पतली होती चली जाएगी. And see guys, आपके सामने ही बना रही हूँ so that आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कैसे बना लिया है. और ये सारी स्ट्रगल्स आएंगी, देखो यहाँ पर जो मेरे को स्ट्रगल्स आ रही है, मेरे को भी बहुत प्रेस कर उसको शेप देनी है, तो आपको भी ये वाली सारी स्ट्रगल्स आएंगी, तो आप भी बिल्कुल घबराएंगे नहीं और जरूर बनाएंगे, राइट? दीप्ति जी, इट इज जंक टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा, इट इज, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, आप प्लीज चेक करिए. और इफ यू वांट आई विल सेंड इन द कमेंट्स. ठीक है, इस तरीके से करा. अब ये वाली को मैं अभी वापस रख रही हूँ, अभी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है देखने में, राइट? बिल्कुल अच्छा मजेदार नहीं है. देन व्हाट आई डू, मैं अपने हैंड को थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करूंगी, और अब उस जब मेरे जो हाथ गीले हो गए हैं उनसे मैं इसको शेप करूंगी. अब आप देख रहे हो कितनी स्मूथनेस आनी शुरू हो गई है, और कौन बताएगा कि ये क्या बन रहा है. क्विक क्विक क्विक, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज दिस, फटाफट फटाफट टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या बना.
उत्तर दीजिए, इट्स अ कैप, यस इट्स अ हैट। और कितनी इजी है बनानी, राइट? थोड़ा सा पानी और इसको बहुत स्मूथ हो जाती है। दिस पेपर क्ले इज जस्ट अमेजिंग, बहुत ही मजेदार क्ले है। बट यस इट टेक्स टाइम, आप इस पूरे काम को आप मोल्डेड से भी कर सकते हो और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये वाला काम जो होता है, ये जो ट्रेडिशनल वाला है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसको पूरा का पूरा सेम ग्रे कलर कर देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ व्हाट, अभी क्या करना है मुझको, लेट मी क्लियर माय हैंड, थोड़ा सा साफ करके देन आई टेल यू व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रोसीजर। अच्छा, मैं दो तरीके की फेविकॉल यूज करती हूँ। एक यूज करती हूँ मैं फेविकॉल MR और एक यूज करती हूँ मैं फेविकॉल SH। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फेविकॉल SH जो होता है वो थिक होता है। ठीक है, तो जहां पर आपको एकदम से इंस्टेंटली किसी चीज को आपको चिपकाना है तो वहां पर आप SH यूज करिए। अब ये जो लाइन है यहां पर आएगा मेरा एक नोज, यहां पर आईब्रोज, ये बनेंगी मेरी आईज। ठीक है, गॉट इट, यहां तक हो गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत थोड़ी सी क्ले लेंगे, यस इट इज एनी पपेट हैट निधि जी, थोड़ी सी क्ले ली मैंने, ये भी बहुत ज्यादा आई है, इसको भी मैं अभी अंदर ही रख सकती हूँ। यूं लिया और थोड़ा सा इसको कट कर लिया, राइट? एंड आई नीड अ कॉइल काइंड ऑफ इस तरीके से, और सेम साइज का मुझे एक और चाहिए। ठीक है, कैन यू लुक एट द स्मूथनेस ऑफ दिस क्ले, मतलब आप बोल ही नहीं सकते हैं कि ये पेपर क्ले होगी, वेरी स्मूथ क्ले। यू कैन चेक हाउ आई हैव मेड इट ऑन माय यूट्यूब। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक स्टिक लिया और जो आईब्रोज है, आईब्रोज के यहाँ पर मैंने फिर ये SH लगा दिया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पर मैं SH यूज कर रही हूँ, यहाँ पर MR नहीं यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं MR लगाऊंगी तो वो रनी होगा और ये स्टिक नहीं करेगा। और इफ यू आर यूजिंग मोल्डेड तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मोल्डेड इज क्वाइट इजी टू यूज, नो डाउट, बट फॉर मी जंक टू ब्यूटी, यू नो, टू यूज माई, यू नो, टू रिसाइकिल माई थिंग्स। सो क्योंकि ये वाला न्यूज पेपर आफ्टर एवरी वीडियो आई नीड टू चेंज, तो मुझे बहुत लगता है। यस मेघा जी, टू मच पेशेंस इज नीडेड। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बनाना है हमको इसकी नोज, और इस तरीके से किया, लंबी सी नोज बनाई एंड इस तरीके से पहले फेविकॉल लगाई। और यहाँ पर नोज लगा दी। ठीक है, काफी बड़ी नोज है। और यहाँ पर लगाई, यहाँ पर इट इज ऑप्शनल, अगर आपको नोज के यहाँ पर नॉस्ट्रल्स बनाने हैं देन इट इज ओके, इफ यू डोंट वांट लीव इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये जो क्ले है, एक और कॉइल बनाई। ठीक है, और इसको मैंने, इस कॉइल को मैंने ऐसे सेंटर में लिया
और यहाँ से पिंच कर दिया, ठीक है, मेरे पास इस तरीके की बन गई। अब सेंटर में जो जो नोज का सेंटर है वहां से मैंने एक वी बनाया इस तरीके से, और मैंने यूं लगा दिया इसको, और ये बनाएंगे हम मुझे मुस्ताशेस। अब वो कौन सा होता, मुझे हो तो किसकी तरह हो वरना ना हो, देयर वॉज वन डायलॉग, बॉलीवुड डायलॉग, मुझे हो तो किसी की तरह हो वरना ना हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। मेघम नोएडा बेस्ड, एंड गाइस आई एम ओनली लॉकडाउन आर्टिस्ट। सो इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब जब ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तब मुझे क्या करना है, मेरे को इसको कलर करना है, ब्लैक कलर करना है इसको, इसको भी मैं दोबारा से फेस कर, ये वाला कलर करूंगी मैं। हाँ, मुझे हो तो नथु लाल जी जैसी हो, वेरी नाइस मेघा जी, ओके। और ये मेरी जो मुस्टैशेस हैं इनको मैं ब्लैक करूंगी, ठीक है, और इधर मैं इसको व्हाइट ही रहने दूंगी। सो नाउ आई विल शो यू द कंप्लीट वन, हाउ इट इज गोइंग टू लुक। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैंने जब ये कंप्लीट हो गया है तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की टाई करी है, और इसकी जो वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट के अंदर मैंने थोड़ा सा टेक्सचर दिया है, यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। और यहाँ पर ये जो मेरी कैप है, हैट जो बनाई है मैंने, मैंने इसको मैंने ब्लैक, यही सेम ग्रे कलर किया है मैंने, और लिप्स बनाए छोटे से, एंड दैट्स इट, इट इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस। आई डोंट नो हाउ यू आर फाइंडिंग इट, बट आई एम लविंग इट। थैंक यू मेघना, थैंक यू सो मच। सो और क्या क्या हम बना सकते हैं क्ले वर्क से, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आई एम कमिंग अप विद दीज बॉटल्स, ये जो बॉटल्स हैं दीज आर यूजेबल बॉटल्स, सो आई ओपन इट फॉर यू। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और रख सकते हैं, दीज आर गुड, यू नो यू कैन यूज देम एज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट मी नो एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो गाइज, एंड Do subscribe to my channel as well, my Facebook page. Thank you so much, Craft Market, for giving me this chance. Till then, bye-bye, take care, and connect with me wherever you are stuck. Bye-bye, happy crafting!